सम्राट, परिस्थितियां तो विद्रोह की ओर संकेत कर रही हैं। प्रतीत होता है कि इसी दास ने इन रक्षकों की हत्या की है। मुझे लगता है कि इसे आपके आने की कोई जानकारी नहीं थी और इसको लगा कि इन्हें मारकर ये बड़ी सरलता से यहाँ से चला जाएगा। नहीं सम्राट, यहाँ विद्रोह नहीं, चोरी हो रही थी, और वो चोरी किसी और ने नहीं बल्कि आपके विश्वसनीय रक्षक ने ही की थी। वो पतनराज ही था जिसने आपकी शत्रु के साथ हाथ मिला लिया था, और फिर वो अपने साथियों के साथ यहाँ मिलकर आया और आपके स्वर्ण को चुराने का प्रयास किया। और जब उसे ज्ञात हुआ कि मुझे उसकी इस योजना के विषय में ज्ञात हो गया है, तो वो विचलित हो गया और उसने यहाँ के सभी रक्षकों को यहाँ से दूर भेज दिया और मुझे मारने की योजना बनाई। सम्राट, मैंने जो भी किया वो आत्मरक्षा के लिए किया था। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप यहाँ अन्य रक्षकों से पूछ सकते हैं कि उन्हें यहाँ से किसने हटाया था। क्या ये दास सत्य कह रहा है? क्षमा करें सम्राट, पतनराज के सोने के चुराने के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, किंतु यह बात सत्य है कि हमें यहाँ से जाने का आदेश पतनराज ने ही दिया था। धनानंद, आज तो केवल पतनराज ने तुम्हारे वर्चस्व को ललकारा, परंतु बहुत शीघ्र केवल एक नहीं पूरा मगध तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा, और एक दिन तुम्हारा एक राज्य ही नहीं पूरा देश तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा। अब तो तुम केवल अपने पतन की, अपने अंत की प्रतीक्षा करो धनानंद। सम्राट से इस स्वर में बोलने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? वर्षों पश्चात मैं क्षत्रियों की आंखों में उसी ज्वाला की झलक देख रहा हूं जो मैंने कब की बुझा दी थी। इस समय इस ज्वाला को और अधिक भड़काने का कोई लाभ नहीं होगा। अग्निमुख, 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 अग्निमुख। तुम्हारा नाम अग्निमुख है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम अपने मुख से अग्नि उगलो? पिछले 12 वर्षों से हमारे संबंध कितने मधुर रहे हैं। इस खान से तुम मुझे स्वर्ण देते हो और मैं बदले में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं देता। ये बाहुक, ये तो नया है, ये क्या जाने हमारे मधुर संबंधों के विषय में, है ना? ये सब अपने ही आदमी हैं। शस्त्र नीचे, नीचे। बाहुक, आज से तुम पतनराज का कार्यभार संभालोगे, प्रमुख रक्षक का पदभार संभालकर। चंद्रगुप्त, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यहां पर जो कुछ भी हुआ उसके विषय में तुमसे चर्चा करनी है। पता नहीं इस दुष्ट सम्राट के मन में अब कौन सी नई योजना बन रही है। जो भी हो, वो मेरे और मेरे पिपलीवन के क्षत्रिय भाइयों के लिए उचित तो बिल्कुल नहीं होगी।